इन्फो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक हुंडई का सेट है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसका राष्ट्र एकदम वाइट आ रहा है, यानी कॉन्टैक्ट की समस्या बनी हुई है। अगर पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। एक बार इसको किट को चेक करवा देता हूँ। आप वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको सही प्रकार से ये जानकारी मिल पाएगी, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। ये पूरा सेट है, ये इसके अंदर ESC लगी हुई है, नई ESC है, साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसकी सप्लाई ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद में इसके वोल्टेज चेक करेंगे आखिर में ये प्रॉब्लम कहाँ से है। सेट ऑन हो गया, ये मीटर पे ध्यान रखना आप। यहाँ पे 180 वोल्ट निकल रहे हैं और साथ में ये एबीएल की सप्लाई है। ये देखना कितने वोल्टेज है, 180 वोल्ट कंप्लीट है। इसके साथ में ABL और ये S की सिंक का ये दो सप्लाई यहाँ से निकलती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पहले 80 वोल्ट चेक करेंगे ABL की। एक मिनट, ये मेरा मीटर कम प्रॉब्लम है, ग्राउंड की समस्या होती है, मीटर पे ध्यान रखना आप। ये AC सप्लाई आ रही है, ये देखो, ये 180 वोल्ट है, ये ABL है और ये S सिंक है। और यहाँ से आप वापिस बाकी सेट चेक कर लेते हैं। यहाँ एक 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे देखो ये सप्लाई नहीं है। इस रेजिस्टेंस को पहले चेक कर लेते हैं, एक बार सप्लाई ड्रॉप कर लेता हूँ मैं। ये ट्रैक कहाँ से प्रॉब्लम है, इसको ओपन करके ये बजर मोड पे ले लिया हूँ। ये बजर मोड पे है तो ये ABL की सप्लाई यहाँ से यहाँ निकल रही, ये जा रही है, और साथ में ये है तो 1K का रेजिस्टेंस है, तो ये 1K के ऊपर रख देता हूँ मैं, ये 20K के ऊपर रख देता हूँ ताकि पता लग जाएगा कि ये रेजिस्टेंस खराब है कि सही है। ये देखो रेजिस्टेंस सही है 1K की। बजर मोड पे इसको चेक करते हैं, शायद क्या प्रॉब्लम है इसमें, एक ग्राउंड से मैच करवाते हैं। ये देखो ये ग्राउंडिंग आ रही है, यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, देखना आप आराम से। और यहाँ पे ये ग्राउंड के साथ में ये देखो बजर चालू है, इसका मतलब ये ट्रैक के अंदर कहीं ना कहीं फोल्ड है। तो यहाँ 1K की रेजिस्टेंस के आगे आपको ये ट्रैक चेक करना है। ये यहाँ से ये ट्रैक आ रहा है, तो यहाँ पे है, ये एक जनरल डायोड लगा हुआ है, एक डायोड को निकाल के चेक करते हैं पहले। यहाँ पे एक समस्या है,
इसको बाहर निकालेंगे। इसको सेक करेंगे। ये 41-48 जिंदा डायोड है, ये डायोड देखना है। एक मिनट इसको सेक करते हैं, यानी ये शॉर्टिंग है। ये बीप की आवाज आ रही है। ये देखो इसके अंदर ही प्रॉब्लम है। ये इसके नंबर एक बार चेक कर लेता हूँ। इकतालीस 48 है, 4148 ये नंबर है इसके। ये मेरे पास में ये दूसरा है जिन्ना डायोड, ये लगा देता हूँ मैं। इसमें से एक ये खराब है और ये मेरे पास तो दूसरा है, इसको लगा के चेक करता हूँ मैं। ये लगा दिया, इसके बाद में एक बार सप्लाई देख के चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। ऑन हो गया, आगे कंप्लीट हो गया है। एक बार इसके वोल्टेज चेक करवा लेते हैं। यहाँ पे कितने वोल्टेज है ये देखिए, यहाँ पे 9 वोल्टेज आ रहा है। ये वोल्टेज ये डायोड जाने के कारण से ये प्रॉब्लम हुई है। ये 4148 डायोड लगा हुआ था जिनर, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई है, अभी मेरा रास्ता आ गया है कंप्लीट। ये सेट कंप्लीट तैयार है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और लाइक और शेयर भी जरूर करें। आपको पसंद आया हो तो, और इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए खूब खूब धन्यवाद और आभार।